अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। आई नो चैप्टर नंबर 8 हमारा बाकी है, उसे हम पेंडिंग रखेंगे। चैप्टर नंबर 9 के बाद हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ओवरऑल हर चीज़ इम्पॉर्टेंट ही है क्वेश्चन वाइज, तो इसीलिए हम पहले इसे कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है तहरीक और हिजन, ठीक है। गुजराती में से कहेंगे आवे अने प्रेरणा। पेज नंबर 101 पर 101 पर आपको चैप्टर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की। तहरीक किसे कहते हैं? देखिए, जिस तरह से लिसान और प्रत्ययन था, लिसान और तरसील थी, दो कॉन्सेप्ट थे, दो चीज़ें समझानी थी एक ही चैप्टर में, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी तहरीक और हिजान है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, चैप्टर में हम एक ही चैप्टर में उसे समझेंगे। चैप्टर नंबर 9, तहरीक नहीं तो किरदार नहीं। आप इस वर्ड से ही, इस लाइन से ही समझ सकते हो कि तहरीक कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नफसियात दा गैरेट ने कहा कि ज़रिए जो पेश किया गया है ये बयान नफसियात में तहरीक के मुताले की अहमियत को वाजे करता है। तहरीक की क्या इम्पोर्टेंस है वो ये एक जुमला बता देता है। हमारी तहरीक ही नहीं होगी तो हमारा किरदार ही नहीं होगा, और हमारा किरदार ही नहीं होगा तो हमारा वजूद कैसे होगा, ठीक है। तो तहरीक हमारी लाइफ में, हमारे किरदार में, हमारी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तहरीक तो हमसे हद से ज़्यादा जुड़ी हुई है। फ़र्द में जितनी ज़्यादा तहरीक होगी उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। तो समझते हैं, हम जानते हैं कि नफ्सियात इंसान और मासवा इंसान यानी कि हैवानात के किरदार का मुताला करने वाला साइंस है, राइट। पहले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि नफ्सियात क्या है, तो साइंस है। साइंस है कैसा साइंस है? तो नफ्सियात तो इंसान के दाखिली और खारजी दोनों अमाल का मुताला करता है, ज़ाहिरी और बातिनी। किरदार नफ्सियात का अहम मौजू है। इससे क्या साबित होता है कि किरदार जो है वो इंसान का मेन जो फोकस है वो किरदार ही है। इसलिए इंसान और हैवानात के किरदार को बखूबी समझना हो तो उनके किरदार के लिए ज़िम्मेदार तहरीक को समझना भी उतना ज़रूरी है। तहरीक ही किरदार से जुड़ी हुई है, तहरीक नहीं तो किरदार नहीं। तो जब नफ्सियात किरदार का साइंस है तो हमें तहरीक को समझना भी तो ज़रूरी है। आम ज़िंदगी में तहरीक के अलग अलग मुतरातिफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के जहन में ये सवाल आना चाहिए था कि तहरीक किसे कहते हैं। अगर नहीं आया है तो बहुत गलत बात है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। हमारे जहन में पहला यही ख्याल आना चाहिए कि फिर ये तहरीक है क्या। जो तहरीक हमारे किरदार से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो तहरीक किस चीज़ का नाम है? उसके अलग अलग हम मुतरातिफ़ अल्फाज में, अलग अलग फॉर्म में उसको देखते हैं। मसलन ख्वाहिश, तौके, तमन्ना वगैरह तहरीक से मुतालिक फहमाइश को हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझेंगे। तहरीक यानी कि हमारी कोई ख्वाहिश, तौके, तमन्ना, यानी कि कोई ऐसी चीज़ हमें जो कुछ करने के लिए रागिब करे, मोटिव करे, हमें मोटिवेशन दे कि हमें वो करना है, वो कहलाती है हमारी तहरीक। समझेंगे धीरे धीरे। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बुक का एग्ज़ाम्पल है। विद्या एक छोटे से गांव में रहती है, विद्या नाम की एक लड़की है, वो एक छोटे से गांव में रहती है। डॉक्टर बनने के लिए वो रोज़ाना 8 से 10 घंटे शदीद मुताला करती है। उसे डॉक्टर बनना है इसीलिए वो रोज़ाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती है। दूसरी जानिब दर्शन अपनी स्कॉलरशिप की हासिल करदा रकम में से अपनी छोटी बहन को उसका पसंदीदा स्कूल बैग दिलाना चाहता है। ऐसी चंद मिसालों का जायज़ा ले तो पता चलता है कि फ़र्द हर एक सरगर्मी के पसपर्दा कोई ना कोई तहरीक मौजूद होती है। आपने ये एग्ज़ाम्पल देखा, थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई, भले ही छोटा या फिर बड़ा, एक मकसद होता है, एक तहरीक होती है जो हमें वो काम करने के लिए रागिब करती है। आप रोज़ाना उठकर ऑनलाइन वीडियोज़ देखते हो, इसके पीछे भी आपकी तहरीक है, आपको पास होना है। आप देखिए कि रोज़ाना उठकर आपकी मम्मी, आपके पापा वीडियोस देखते, नोट डाउन करते हैं कुछ पॉइंट? नहीं, उनके लिए इसका कोई मकसद नहीं है। हाँ, वो आपको मोबाइल दे सकते हैं कि उनकी तहरीक है आपको पढ़ाना, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े।
आप रोज़ाना उठकर मोबाइल देखते हो, वीडियोस देखते हो। अब वीडियोस देखते हो या नहीं देखते हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन आपके पेरेंट्स का तो यही लगता है कि मेरा बेटा मोबाइल लेके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है या कर रही है। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं, वो भी हमारा मोटिव है, हमारी एक तहरीक है कि हमें ये करना है। शदीद मेहनत करने के बावजूद अगर विद्या डॉक्टर ना बन सके या दर्शन को हासिल की हुई स्कॉलरशिप की रकम चोरी हो जाए, तो शायद विद्या ये गमजदा और दर्शन गुस्से की हिजान में मुबतला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हिजान भी बता दिया गया है, एक है हमारी तहरीक और दूसरा है हमारी हिजान, हमारा हिजान। हिजान यानी कि हमारे एहसास, लिख लीजिए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट से, हिजान यानी कि हमारे एहसास। तहरीक वो चीज़ जो हमें कोई काम करने के लिए हमें मतलब फोर्स करती हो, हमें वो काम करना है। कोई ना कोई एक पर्पस होना चाहिए हमारे पास, एक मकसद होना चाहिए, तभी हम वो काम करते हैं, ठीक है। और हिजान यानी कि कोई भी काम में अगर हम कामयाबी हासिल हुई या फिर हमें नाउम्मीदी हासिल हुई, तो हमें जो एहसास होता है वो कहलाता ही हिजान, चाहे वो खुशी का हो या फिर गम का हो। ज़ेर नज़र बाब में हम तहरीक और हिजान का मफहूम समझेंगे, ठीक है, दोनों चीज़ों के मफहूम हम समझेंगे। मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ तहरीक और रिझान को समझने के लिए। ध्यान से समझिएगा वरना आपका सब बाउंस जाएगा अगर आप सही से नहीं समझोगे तो, बहुत ही ज़्यादा इजी है इसे। तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है, आप ही जैसी कोई 12th की स्टूडेंट है, 11th की स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत मेहनत किया, भले ही ऑनलाइन क्लासेस से, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसे मार्क्स लाने थे अच्छे से अच्छे, टॉप करना था। अब सपोज़ करो कि उसे 80% लाने थे, 12th की बात करते हैं, 12th बोर्ड के लिए भले ही ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कोविड-19 की सिचुएशन में भी वो रोज़ सुबह उठती थी 10 से 8 10 घंटे, जितना हो सके उतना पढ़ाई करती थी, हर सब्जेक्ट पर ध्यान देती थी। ये क्या हुआ उसकी तहरीक, क्योंकि उसे टॉप करना है, उसे 80% लाने हैं, ये इसलिए उसकी तहरीक कहलाएगी। अब बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए, उसने एग्ज़ाम दिया, कुछ टाइम बाद रिज़ल्ट आ गया, उसने रिज़ल्ट देखा, उसके परसेंटेज आए 85। अब उसको हैजान होगा, किस तरीके का खुशी होगी, क्योंकि उसने सोचा था 80% और उसके परसेंटेज तो 85 आ गए, तो उसे जो खुशी का एहसास होगा वो भी क्या कहलाएगा, हिजान, ठीक है। हमारे एहसास हमारे हिजान कहलाते हैं, और हमारी ख्वाहिश हमारी तमन्नाएं जो है उसके लिए हम जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारी तहरीक, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है, उसको तो कुछ अचीव करना है तभी तो वो मेहनत कर रहा है। कोई फ़र्द है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसका इंटरव्यू है, मान लो कि 6-7 तारीख को उसका इंटरव्यू, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी तहरीक है उसे इंटरव्यू में पास होना है। हमारे पास कोई ना कोई एक वजह होनी चाहिए तभी हम वो काम करते हैं, ठीक है। तो तहरीक और रिझान, आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो हमें चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तहरीक के मानी देख लेते हैं। जदीद नफ्सियात की राय के मुताबिक जो फ़र्द को मसरूफ़ रखे या उसे अमल पज़ीर बनाए उसे तहरीक कहते हैं। फ़र्द को मसरूफ़ रखे कोई भी काम में, या फिर उसे काम करने के लिए मजबूर करे, एक वजह बन जाए कि तुझे ये करना है, वो क्या कहलाती है, हमारी तहरीक, ठीक है। तहरीक यानी कि किरदार की तरगीब फ्राहम करने वाला दाखली अमल। तहरीक का नॉर्मल मतलब क्या है, हमारे अंदर से हमें वो काम करने के लिए रागिब करता है कि हमें ये करना है, एक अंदर से हमें आवाज़ आती है और हम वो काम करते हैं, तो वो आवाज़ होती किसकी है, तहरीक की, हमारी तहरीक की। कोई भी हो सकता है, मम्मी आपके खाना बना रही है क्योंकि उन्हें पता है मेरा बच्चा या फिर मेरे बच्चे ट्यूशन से स्कूल से ये वक्त पर आएंगे, मुझे उन्हें खाना देना है, ये उनकी तहरीक है, इसीलिए वो खाना बना रही है। हमारे आसपास बहुत सारे एग्जांपल हैं, ज़रूरत है हमें सिर्फ देखने की। तो आप एनालाइज़ कीजिए, देखिए आसपास और नोटिस कीजिए और उसे अपने नोट में नोट डाउन कीजिए, तभी आपको साइकोलॉजी पढ़ने का मज़ा आएगा। सिर्फ रट्टे पोपट मत बनिए, है ना, तहरीक पढ़ लिया, तहरीक की तारीफ़ पढ़ ली, नहीं, समझिए कि ये तहरीक आपकी लाइफ में किस तरह से जुड़ी हुई है, ये जान आपकी लाइफ में किस तरह से जुड़ा हुआ है। कई सारे एग्जांपल आप अपने आप पर गौर कीजिए तो आपको समझ आएगी कि ये सारी चीज़ें मेरी तहरीक से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब जूम क्लास आप अटेंड करते हो क्योंकि आपको पता है कि इसके मार्क्स होते हैं और आपको मार्क्स हासिल करने हैं, इसीलिए आप जूम अटेंड करते हो, जूम मीटिंग अटेंड करते हो, ये तहरीक हुई है आपकी, ठीक है।
तहरीक के लिए अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन लफ्ज़ लिया गया है लेटिन के मूवर से। लिख लीजिएगा लेटिन के मूवर से लिया गया है, बना है मोटिवेशन। ठीक है, इसे लिख लीजिए, जो सरगर्मी के लिए हरकत की जानी निशानदेही करता है। अच्छा, मोटिवेशन से आपको कुछ याद आया होगा कि मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, है ना, मोटिवेशन स्पीच होती है, वो भी तो इसी से जुड़ी हुई है। फ़र्द को सक्सेस हासिल करनी है, लेकिन वो सक्सेस के लिए वो काम ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे ज़रूरत है मोटिवेशन की, तहरीक की। इसीलिए तो मोटिवेशनल प्रोग्राम चलते हैं, ताकि आपको काम करने के लिए रागिब किया जाए, आपको एहसास दिलाया जाए, जागरूक किया जाए। इसीलिए मोटिवेशन स्पीच होती है, ट्रेनर होते हैं लाइक संदीप महेश्वरी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें, ये सब हमें हमारे काम करने के लिए, हमारा मकसद हमें याद दिलवाने के लिए चीज़ें होती है, ताकि हमारे अंदर तहरीक पैदा हो और हम वो काम कर सकें। तहरीक की बहुत सब तारीफ दी गई है पेज नंबर 101 पर, JP गिलफोर्ट ने दी है, सिटी मार्गन ने दी है, सोनेस और माम ने दी है। कोई भी एक तारीफ जो आपको आपके हिसाब से सुइटेबल लगे, इजी लगे, वो याद कीजिए। हम एक तारीफ देख लेते हैं, फर्स्ट जो है कि JP गिलफोर्ट की, तहरीक सरगर्मी के लिए तहीश पैदा करने वाला, नेज़ उसे तकवीत पहुँचाने वाला मखसूस दाखली अंसर या सूरत हाल है। तहरीक क्या है, हमें दिखाई नहीं देती भाई तहरीक के ये गुलाबी कलर की है, पिंक कलर की है, रेड कलर की नहीं, तहरीक हमारा दाखली अंसर है। हम कोई काम करते हैं, वो अचीव कर लेते हैं, वो हासिल कर लेते हैं, तो हमारी तहरीक और मजबूत हो जाती है, हम और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर उसने स्टूडेंट की हमने बात की, उसने 85 हासिल कर लिया, उसका दाखली तहरीक वो कम्प्लीट हो गई, उसे मजबूती मिल गई कि नहीं मैं मेहनत करूँगी तो और अच्छा कुछ कर सकती है, इसीलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो तहरीक हमारी क्या है, हमारे अंदर तहीज पैदा करती है, काम करने के लिए एक जुस्सा, एक एहसास होता है कि नहीं हमें ये करना है, तकवीत पहुँचाती है, हमें मजबूती देती है। हमारा एक ऐसा अंसर है, दाखली अंसर है, जो हमें हाल में हम जो काम कर रहे हैं वो काम करने के लिए हमें रागिब करती है। मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ, क्योंकि मेरी भी एक तहरीक के अंदर से मेरा भी एक दाखली अंसर है। ठीक है, स्टूडेंट्स को आपको पास होना है, ये मेरा फ़र्ज़ में आता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं, क्योंकि हमें तहरीक की ज़रूरत, तहरीक होती है, तहरीक की वजह से ही हम ये काम करते हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई इंसान में कोई टाइप की तहरीक ही ना हो तो क्या होगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए और अपने आसपास के एग्जांपल को लिखिए और थ्योरी को एक बार पढ़ लीजिए, 101 पर चैप्टर दिया हुआ है। थैंक यू।